पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जी सर, क्या नाम आपका? पूरन सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? पीतल नगरी बल्दपुरी। अच्छा, ये क्या घटना है? ये वाली पैर वाली क्या घटना हुई है? इसमें ये तो फांसी लगा के मारी है इन्होंने। किसने मारी? क्या मामला था? लड़की का क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे? लड़की का तो मनु नाम था। आप लड़की कौन है? मामा। आप बताएं क्या घटना हुई है? घटना था फांसी लगा के मारी है। किसने मारी? कमल ने, उन्होंने सबने, परिवार ने इनके। कमल कौन है? कमल पति है लड़के। फिर क्या, हम तो यानी वहाँ पहुँच भी ना आए, वहाँ पर फांसी लगा के मारी है, पहले जला के मारी थी पहले लड़की। तो बहन जी आपने एक ही लड़की? हाँ, वो भी इसी की? इसी की। हाँ। कितने टाइम पहले? 4 साल हो गए होंगे पहले वाली लड़की को। 4 साल हो गए होंगे। 4-5 साल पहले की? 4 साल हाँ पहले हो गए। 3 साल इस लड़की को जो मारी है। बच्चे कितने थे पहले वाली में? भी एक लड़की, इसमें भी एक लड़की थी, उसे भी मार दिया। हाँ। कानूनी पहले वाली में न करा, इन्हें जोर डाला, रिश्ते 12 साल 4 लोग तो कुछ न करा। अब इसमें हुई है कार्रवाई। हाँ, मुकदमा जी टी वी टी चढ़ा गया, देखे पोस्टमार्टम बुला चाहिए। कौन से थाने का मामला? इतलारी। क्या नाम आपका? बंटी सिंह। बंटी, कहाँ रहते हो आप? मैं बख्तरपुर रहता हूँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये आपकी कौन थी? ये चचेरी बहन थी मेरी। क्या मामला हुआ? बात मामला तो ये हुआ कि हम 3-4 बार, कम से 10-12 बार चले गए थे कि कभी वो कुछ बात बता करती कि ऐसे कहते हैं मुझे, वैसे कहते हैं मुझे। हमने दहेज भी सब दिया था कि तू अपने बाप से ये नहीं लेके आई, तू अपने बाप से सिलेंडर भरवा कर लेके आ, ये लेके आ। वो आए दिन ये बात बताती रहती थी हमसे। तो हम कह रहे भाई हमने दहेज दे दिया तो हमने लड़की भी दे दी, और हमसे अब क्यों मांगते रहते हो तुम ये चीज़ें? तो वो कह रहे, तो हमारे सामने तो झूठ बोल जा रहे हैं। वो लड़की हमसे आन के बता रही कि तुम मेरी बात पर तुम विश्वास ही नहीं करते बिल्कुल भी, तुम उनकी बात पर जाकर कह देते हो। तो उसने फ़ोन भी करा था कि आज मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे पैसा कह रहे हैं। तो हमने उस दिन फ़ोन करा, एक बार 3-4 दिन पहले मैं फ़ोन करा था, 8-10 दिन पहले। तो हम उसे बुला लाए थे कि मुझे ये मार रहे हैं, कि कह रहे हैं कि मैंने पहले लड़की मार दी थी तो 50,000 दे दिया था, तुझे मार दूंगा तो 1,00,000 रुपये दे दूंगा, मैं फिर छूट जाऊँगा। तो उसने बताई थी, हम कह रहे हम चलो हम बांध के बात करेंगे। तो हमने उनके गांव के प्रधान जी बुलाए थे और हम भी गए थे। जाने के बाद वहाँ बात करी तो फिर भी मान गया, लेकिन 4-5 दिन बाद वही कि दहेज के बारे में भी करने लगे। अब कल का ये था, कल भी हमने फ़ोन करा था, हमें पता नहीं थी, हमारे रिश्तेदारों ने फ़ोन करा था तो उन्होंने फ़ोन भी बंद कर लिया था। हमने जाकर देखा तो उन्होंने सब पुलिस वुलिस सब बुला रखी थी, सारी कार्रवाई उन्होंने करी थी, हमारा कुछ हमें कुछ नहीं पता। क्या पता लगा, क्या किसने फोन किया, क्या बताया, क्या हुआ? फोन तो किसी और ने करा, इनको फोन वो हमारे वो रिश्तेदार थे कि ऐसा ऐसा तुम्हारी लड़की फांसी लगा के मर गई। अच्छा, ठीक है। तो हम कह रहे जिंदी है तो क्यों हो गया? तो कह रहे एक्सपायरी हो गई, खत्म हो गई। इससे पहले भी आपने किसी बहन की शादी करी थी? हाँ, अनु की शादी करी थी। वो बहन थी आपकी? वो बहन थी। वो उनसे कितने बच्चे? उससे भी एक लड़की है। उसके साथ क्या हुआ? वो उससे भी एक लड़की है, वो उसकी हमें जानकारी तो नहीं, वो जल के मरी थी या इन्होंने मारी थी। वो जो इस लड़की की शादी करी थी उसके बाद पता चला था कि हाँ ये वो लड़की मारी थी जला गया। ये मामला कौन सी जगह का है? ये तगाला थाना डिलाई लगता है। गांव तगाला थाना डिलाई लगता है। कौन बिरादर है? प्रजापत। जिनसे शादी हुई थी वो ही प्रजापति। अब आपने FIR कराई थी? FIR कहाँ कराई थी, डिलाई थाने में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।